दोस्तों नमस्कार, आज हम लोग बात करेंगे उत्तराखंड पीसीएस प्री और मेंस एग्जाम में ज्योग्राफी या भूगोल की तैयारी कैसे करें। अगर आप उत्तराखंड पीसीएस का सिलेबस देखें, उत्तराखंड पीसीएस प्री और मेंस का जो सिलेबस है ज्योग्राफी का, इसको हम लोग चार भागों में बांट सकते हैं। एक बेसिक ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और ज्योग्राफी ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड का भूगोल। जहां तक आप देखेंगे कि बेसिक ज्योग्राफी में चार मेजर पार्ट हैं, एक लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर। वर्ल्ड ज्योग्राफी का मीनिंग है कि वर्ल्ड वाइड जो 7 कंटिनेंट है उनके जो रिलीफ फीचर है, उनकी इकोनॉमी, उनका ह्यूमन ज्योग्राफी, रिसोर्सेस, इन सब के बारे में। ऐसे इंडियन ज्योग्राफी में देखेंगे तो उसको फिजिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, इस तरीके से उसको डिवाइड किया जा सकता है। और यही बात उत्तराखंड की भूगोल के लिए, उत्तराखंड की ज्योग्राफी के लिए भी सही है। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण बुक्स हैं जिसको पढ़कर आप सिलेबस को कवर कर सकते हैं, अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो देखें, इसमें जो मस्ट रीड बुक्स हैं, थोड़ा सा ज्योग्राफी का जो सिलेबस है, अलग अलग किताबों में ज्योग्राफी के सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो मैटर लिखा है और जिस तरह का प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, ज्योग्राफी में जो क्वेश्चंस का वेरिएशन है, टफनेस लेवल या जो वैरायटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अच्छा होगा कि अगर आप इसकी शुरुआत क्लास 11th की इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट और फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ये दो एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी की बुक हैं। ये किताबें हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल हैं, इंग्लिश मीडियम दोनों में हैं। तो मुझे लगता है कि इनकी रीडिंग करना काफ़ी उपयोगी रहेगा। आप इनको पढ़कर काफ़ी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। और दूसरी जो किताब है क्लास 12th की, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन देखेंगे कि जो कुछ भी आपके सिलेबस में लिखा है, अगर उस पर एक साइट में कोई मटेरियल अवेलेबल है, अच्छा मटेरियल, ऑथेंटिक मटेरियल है, वो इन बुक्स में आपको मिल जाएगा। पॉइंट ये है कि इन बुक्स को पढ़ने के बाद भी ऐसा लगता है कि ज्योग्राफी में कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं प्रीलिम्स स्तर पे खासतौर से, कि लगता है कि जैसे एनसीईआरटी थोड़ा कम पढ़ रही है, एनसीईआरटी से बाहर से कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। एनसीईआरटी में काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है और काफ़ी लोग इसी को फॉलो करते हैं। एक रीडिंग या कहें कि इस पर फोकस करके आप चलें तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी चीज़ें हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। यूपीएससी की तैयारी करने वाले मैक्सिमम स्टूडेंट सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, गो चेंगलियोंग, जो कि ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की किताब है, काफ़ी अच्छी किताब है, पतली सी किताब है, बहुत सिंपल तरीके से, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से जो बेसिक ज्योग्राफी है उसको समझाया गया है। हालांकि ज़्यादातर बुक्स ऐसा लगता है कि जैसा इस किताब में दिया है उसी तरीके से देने की कोशिश की करते हैं, लेकिन फिर भी ये किताब अपने आप में बहुत अच्छी किताब है। बहुत अच्छे तरीके से इसमें समझाया गया है, कुछ पिक्चर्स भी दिए गए हैं जिससे कंसेप्ट क्लियरिटी ज़्यादा हो जाती है। तो कोशिश करें, अगर टाइम है आपके पास, अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस किताब को एक बार जरूर पढ़ें। तो कुल मिला के ज्योग्राफी के लिए अगर आप 11th और 12th की एनसीईआरटी प्लस गोची लियोंग ये किताब पढ़ते हैं तो आपका मैक्सिमम सिलेबस कवर हो जाता है, मैक्सिमम बातें हो जाती हैं। बाकी है कि आप थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें, देखें कि क्या प्रश्न अभी भी बाहर से हैं, क्योंकि ये डायनेमिक सब्जेक्ट भी है, इसमें बहुत सारा खासतौर से ह्यूमन और इकोनॉमिक ज्योग्राफी में चीज़ें चेंज भी हो रही हैं, करंट अफेयर भी ओरिएंटेड भी है। एक किताब पीसीएस लेवल पे अगर आप देखें तो जो बच्चे पढ़ते हैं जिसमें तीनों ही ज्योग्राफी, बेसिक ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और कुछ हद तक वर्ल्ड ज्योग्राफी का कंबाइंड
एक बुक जिसमें सब कुछ दिया हो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, पीसीएस स्टैंडर्ड में लोग ज्योग्राफी एक कंप्रेहेंसिव स्टडी, महेश कुमार बर्नवाल की किताब है, ये हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है, इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है। ये सही है कि इसमें कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छे तरीके से नहीं लिखे गए हैं, या कहें कि जिसको पढ़ने के बाद आप सारे प्रश्न ही सॉल्व कर पाएंगे, उसके लिए कुछ और भी पढ़ना पड़ेगा। दूसरा जो पॉइंट है कि इसमें कहीं कहीं पे आपको फैक्चुअल जो इरर है वो मिल सकती है, लेकिन पॉइंट क्या है कि अगर आप इस किताब को पढ़ते हैं और केवल आप एक ही किताब पढ़ना चाहते हैं तो इसमें कवरेज करीब करीब पूरा है, और जो कि आपका 80-90% जो ज्योग्राफी है प्रीलिम्स लेवल पे वो इससे कवर हो जाती। तो अगर एक किताब पढ़ना है तो ये ठीक किताब है, और इससे काफ़ी अवेयरनेस आपके अंदर आएगी, काफ़ी सारी चीज़ें आप एक ही बुक से सीख सकते हैं। तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, इसको आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ जैसे महेश कुमार बर्नवाल है इंग्लिश और हिंदी में, उसी तरीके से हिंदी मीडियम के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए एक और काफ़ी अच्छी किताब है परीक्षावाणी। परीक्षावाणी ने हिंदी मीडियम में दो किताबें निकाली हैं, एक भारत का भूगोल और एक विश्व का भूगोल। कह सकते हैं कि ये जो किताबें हैं पूरी तरह से एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी में जो मटेरियल दिया गया है उसी को इसमें और भी अच्छे तरीके से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ, जो चीज़ें एनसीईआरटी में थोड़ा कम दिया हुआ है उसको भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो इम्पोर्टेंट है तो उसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उसको इसमें एक्सप्लेन किया गया है, इसमें लिखा गया है। और एक जैसा कि परीक्षावाणी सीरीज की जो बुक्स हैं उनकी जो खासियत है कि सिलेबस में जो मटेरियल है उसके साथ साथ वो एक आप देखेंगे कि टेबल बना देते हैं या बॉक्स बना देते हैं जिसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो दिए रहते हैं, साथ में जो 25 ईयर के जो पेपर है खासतौर से पीसीएस, यूपीपीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस और यूपीएससी, ये सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज अलग अलग दिए गए हैं। तो हिंदी मीडियम के छात्र एक बार मेरी तरफ से इस किताब को जरूर देखें, अच्छी किताब है, काफ़ी डिटेल में है, और कहीं आपको थोड़ा बहुत अथेंटिसिटी कुछ फैक्ट में हो सकती है लेकिन ये काफ़ी अपडेटेड बुक है, है ना। तो पहले आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप एक समझें कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कितना चीज़ों को कवर करना है, आपको किन चीज़ों के बारे में इन टोटलिटी आपका जो कंसेप्ट है या जो अवेयरनेस है वो होनी चाहिए। एक बार हिंदी मीडियम के छात्र इन किताबों को अवश्य देखें और समझें कि क्या उनको ये समझ में आ रहा है, इससे क्या प्रश्न वो सॉल्व कर पा रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ज्योग्राफी के सिलेबस में एक जो काफ़ी डिफिकल्ट और नया सब्जेक्ट है, नया टॉपिक जो जोड़ा गया है वो एनवायरनमेंट रिलेटेड है, तो इकोलॉजी और एनवायरनमेंट। इंग्लिश मीडियम में नो डाउट जो शंकर आईएएस की बुक है, जो भी राइटर्स इसकी किताब लिखते हैं वो यूपीएससी या यूकेपीसीएस की जो थीम है, जो रिक्वायरमेंट है, शायद उतना पूरा नहीं कर पाती है, इसीलिए जो संस्थान है उनकी जो बुक है वो थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर है। तो शंकर आईएएस की ये जो बुक है एनवायरनमेंट की इंग्लिश मीडियम में, मैक्सिमम लोग इसी को फॉलो करते हैं, ये सबसे पहले कंप्रेहेंसिव कवरेज इन्होंने किया, इसका जो लेटेस्ट एडिशन है उसको एक बार देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से दिया है। हालांकि इंग्लिश मीडियम में सोर्सेस और भी हैं, NIOS का मटेरियल है, बहुत सिंपल तरीके से चीज़ों को कवर किया गया है, साथ में आप देखेंगे कि NCERT की भी जो बुक है बायोलॉजी की, उसमें भी कुछ चैप्टर्स एनवायरनमेंट के दिए गए हैं, लेकिन डिटेल में कवरेज सब कुछ अगर किसी किताब में दिया है तो वो है एनवायरनमेंट बाय शंकर आईएएस, इसको देखें। इस एनवायरनमेंट पर्यावरण और पारिस्थितिकी के लिए जो चैलेंजिंग पार्ट था कि हिंदी मीडियम में कोई किताब, हिंदी मीडियम में काफ़ी हद तक परीक्षावाणी की ही किताब आती है, काफ़ी अच्छी किताब है, लेकिन एक और बुक अभी मार्केट में आई है जो दृष्टि पब्लिकेशन से है, उनकी किताब पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, ये काफ़ी अच्छी किताब है,
और चीज़ों को कंसेप्ट को बहुत क्लियर तरीके से इसमें लिखा गया है। ख़ासतौर से हिंदी मीडियम में जो यूपीएससी की रिक्वायरमेंट है वो इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से कवर किया है, और मैं समझता हूँ कि ये उत्तराखंड पीसीएस में भी की जो रिक्वायरमेंट है उसको ये प्री और मेंस दोनों में ये कवर करेगी। तो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी, मुझे लगता है कि पहले जो पढ़ना चाहिए वो इसी को पढ़ना चाहिए, एक बार इसको अवश्य देखें। आगे अगर हम लोग देखें कि उत्तराखंड के लिए जो उत्तराखंड का ज्योग्राफी, आप अगर पेपर उठा के देखेंगे जो उत्तराखंड संबंधित प्रश्न उत्तराखंड प्री परीक्षा या मेंस में आते हैं, प्री में खासतौर से सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आते हैं वो ज्योग्राफी से आते हैं। ज्योग्राफी के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए अगर आप देखें तो परीक्षा मंडी का जो उत्तराखंड है इसमें आउट ऑफ 24-25 चैप्टर्स में से 14-15 चैप्टर ज्योग्राफी के लिए हैं। तो जो उत्तराखंड का ज्योग्राफी है उसका बहुत ही कंप्रहेंसिव और डिटेल जो कवरेज है वो परीक्षा मंडी में दिया गया है। मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा कवर करने की ज्योग्राफी में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या उतना अच्छा जो मटेरियल है कहीं अवेलेबल नहीं है। इंग्लिश मीडियम विंसर में भी दिया है, काफ़ी चीज़ों को कवर किया है। विंसर और परीक्षा मंडी में इंग्लिश और हिंदी का अंतर है, अन्यथा ऐसा लगता है कभी कभी कि दोनों एक जैसी और एक बराबर मटेरियल दिया गया है। तो लेकिन ये पार्ट ऐसा है, हम लोग जब उत्तराखंड स्पेशल तैयारी करने के लिए सजेशन देते हैं तो उसमें सबसे पहला यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप ज्योग्राफी को पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रश्न है वो ज्योग्राफी से आता है। तो आप निश्चित रूप से इसको फोकस में रखें। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा, ज्योग्राफी एक ऐसा विषय है, खासतौर से बेसिक ज्योग्राफी, जब आप एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर पढ़ते हैं, कुछ हद तक इंडियन ज्योग्राफी भी, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे इसमें जो कंसेप्ट हैं, काफ़ी हद तक ये साइंस जैसा सब्जेक्ट है। ज्योग्राफी तैयार करने का जो सबसे बेहतर तरीका है कि आप ज्योग्राफी में जो कुछ भी पढ़ते हैं उसको एक बार, लोकेशन हो, कोई सोर्स हो, चाहे जिस भी तरह का आप पढ़ाई करते हैं उसको एक बार कोशिश करें कि अगर आप लोकेट कर सकते हैं तो मैप में ज़रूर लोकेट करें। जैसे रिवर्स हैं, माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, मिनरल्स हैं, रोड हैं, कुछ भी, आप उसको एक बार मैप पे जरूर देखें। तो ज्योग्राफी को तैयार करने के लिए मैप, लोकेशन, एक्चुअल पिक्चर्स ऑफ रिलीफ स्ट्रक्चर, ये सब देखना जरूरी है, और इसमें इंटरनेट का काफ़ी यूज कर सकते हैं। इंटरनेट पे काफ़ी मटेरियल भी इसमें बहुत अच्छे तरीके से अवेलेबल है, जो कि कभी कभी लगता है कि बुक से कहीं थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर तरीके से पिक्चराइजेशन के माध्यम से समझाया गया है। कुछ वीडियो लेक्चर्स भी हैं, उनको भी देख सकते हैं। तो मेरी तरफ से इसको इंटरनेट का इसमें यूज करिए अपने कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, अगर आपको बुक से समझने में समस्या आ रही है। लास्ट में, सिलेबस ज्योग्राफी का काफ़ी विस्तृत है, काफ़ी ज़्यादा जानकारी चाहिए, तो जो फोकस एरिया होना चाहिए दो जगह होना चाहिए, एक बेसिक ज्योग्राफी पे और दूसरा इंडियन ज्योग्राफी पे। पहले लिमिटेड बुक्स को पढ़िए, ये जो फिक्स्ड बुक हैं, जो इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं, केवल इन्हीं को पढ़िए। इनसे पढ़ने के बाद एक बार पेपर सॉल्व करिए, देखिए कि इनको पढ़ने के बाद भी आप क्या प्रश्न नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, और कौन सा सोर्स पढ़ा जाए जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। अंत में मैं यही कहूँगा कि जो बुक्स हैं, मिनिमम बुक्स को पढ़िए, अच्छे तरीके से पढ़िए, बार बार पढ़िए, साथ में क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करिए। यही ज्योग्राफी को समझने, मैपिंग के साथ साथ मैप का यूज करिए, ज्योग्राफी को समझने और अच्छे तरीके से तैयार करने का यही एक तरीका है। ये वीडियो देखने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।